हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज जो मैं सोफा लेकर आया हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत टच है, बहुत इमोशनल बात है। जब मैंने YouTube पे आया और पहली वीडियो जो मैंने बनाई तो वो यही राजवाड़े सोफे की वीडियो बनाई थी, और आज वापस लाया हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 12-13 वीडियो बना चुका हूँ राजवाड़े की। ये सोफा उन लोगों के लिए है जो संस्कृति को पकड़ के रखे हुए हैं, जो लोग बहुत ही कार्व पसंद करते हैं, ज़्यादा कार्विंग पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए, और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों के स्पेस बड़े रहते हैं घर के, उन लोगों के लिए भी बहुत सूट होता है। अच्छा, इस सोफे की खासियत सबसे ज़्यादा ये है कि ये अभी कार्विंग में दिखता है लेकिन ज़ीरो मेंटेनेंस है, वो मैं बता देता हूँ कैसे है। आप ये सोफ़ा ख़रीदते हो तो सिर्फ गादी जो है सीट में आता है और ये रिमूवेबल रहता है, बाकी सोफ़ों का फिक्स रहता है। और हमने इसमें चैन दिया है तो आप इसे कवर को धो भी सकते हैं, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ये चैन दिया है इसमें, आप ऐसे निकाल के इसको धो सकते हो, वापस से इसे लगा सकते हो। और कहीं भी इंडिया के किसी भी में मास्टर दर्जी कोई हर जगह होते हैं तो आप उन्हें दे दीजिए, वो धो के या चेंज करके आपको कवर दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी एक्सपर्ट की या हमारी ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, इसमें कार्विंग इतना है तो ये इससे बहुत ज़्यादा रॉयल फील देता है। राजवाड़ा हम इस सोफे को बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि ये सेंटर में रखेंगे ना तो ये आगे भी कार्विंग है और पीछे भी कार्विंग है, तो इसका उल्टा और सीधा कुछ नहीं होता है। नॉर्मली सोफ़ा हम जब रखते हैं तो पीछे और आगे में थोड़ा इशू रहता है, बैक साइड गंदा दिखता है, लेकिन इसका नहीं दिखता। और ये हमने ऐसे राउंड बनाया है, इससे और अपील आ रही है। कैसे लग रहे हैं आपको हमारे सोफे, ज़रूर कमेंट्स करके बताइए, हमें मोटिवेशन आ जाएगा। हम लोग फिज़िकल भी हैं और डिजिटल भी हैं, जैसे आपको पता है, हमारा सिर्फ ऑनलाइन स्टोर नहीं है, ऐसे फिज़िकल भी है, और 48 ईयर्स से है, और हिंदुस्तान का पहला हैंडीक्राफ्ट स्टोर है ये, जहाँ पर आपको हर वैरायटी मिलेगी। प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं बता रहा हूँ, कई बार बताया, अभी भी बता रहा हूँ और बताता रहूँगा, आपको आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ। तो प्लीज़ आप कहीं से भी फर्नीचर ख़रीदते हैं, पहले हमारी टीम को कॉल कर लीजिए, उससे जानकारी ले लीजिए, और उसके बाद आपको जहाँ से भी फर्नीचर जैसा भी ख़रीदना है आप ले लीजिए, क्योंकि आपका कष्ट का पैसा होता है, हमारा कष्ट का, हम लोग काम करते हैं तब पैसा आता है, मेहनत का है। तो कहीं भी ऐसे मत डालिए, इन्वेस्ट करिए, पहले इंक्वायरी लीजिए और आपको पता लगेगा। और जो ये सोफ़े हैं एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, इन लोगों कुछ लोगों ने इसको एक्सपेंसिव बनाया है। हमारे यहाँ सोफ़ा जो हम बना रहे हैं, हमारे यहाँ रिजनेबल क्यों होता है मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग बनाते हैं और डायरेक्ट आपको देते हैं। जब आप किसी फर्नीचर वाले से लेते हो तो 3-4 कट होता है, उसमें फ्रेंचाइजी होता है, उसमें डीलर होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, कारपेंटर होता है, शॉपकीपर होता है, तो सब लोग 20-25% जब अपना मार्जिन रखते हैं तो 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये की जाती है। लेकिन जब आप हमारे यहाँ से लेते हैं तो हम बनाएंगे आपको देंगे, तो जो बीच के 5 लोग हैं वो कट जाते हैं, तो 100 की चीज़ 100 में आती है। बस ये फ़र्क है, हम कोई कृपा नहीं कर रहे हैं किसी के ऊपर, लेकिन हम आपको सच्चाई बता रहे हैं। और अगर ये जानकारी लेनी है, हम फिज़िकल बैठे हैं, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में 1.5 घंटे में आप हमारे से रीच हो सकते हैं बाय फ्लाइट। आइए और देखिए, लाइव प्रोडक्ट रखिए। मेरा बयान कैसा लगा है ज़रूर कमेंट्स करके बताइए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, आपके सब्सक्राइब से हमारे जैसे लोगों को जोश आ जाता है और हम आ जाते हैं आपके लिए वीडियो बनाने। टाइम का मैनेज नहीं होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आ रहा हूँ और आके टाइम वीडियो बना रहा हूँ। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने हैं तो सब कुछ है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। As handicraft, they've got some excellent stuff here. You can really find anything and whatever you need for your house. It's a must visit. You'll find definitely something or the other. All the best, Johannes. यहाँ की जो क्वालिटीज है वो आप देखोगे एक बार आकर, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। हर चीज़ यहाँ पर हैंडमेड मिलेंगी, हर चीज़ यहाँ पर क्वालिटी मिलेगी। I have heard this shop through a interior designer. I've come here for a visit. I think they've got a very good collection. I'm doing my house with a lot of antiques. So definitely a worth place to visit in Pune. And everybody must come. And yeah, they're pretty safe. They're very regular. So please visit. Thank you. Bye. बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत एथनिक सब सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो एक बार यहाँ विजिट करना बनता है।